नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, सुंदर विद्या सुरेन ब्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है और हमारी बीबी ने बना दी है चाय, और चाय की याद इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी बीबी चाय में शक्कर नहीं है। शक्कर डालना भूल गई। अब आप बताइए, शक्कर डालना भूल गई और मेरा इतना सा इनसे पूछना कि शक्कर क्यों नहीं डाली, तो इनका कहना कि शक्कर डालना भूल गई। तो डोगी को खिला रही थी। देख लीजिए दोस्तों, वो हमारे छोटी छोटी जो पप्पी हैं उनको आज खिलाने के लिए हम थोड़ा धूप में लाए थे। अरे मैं घोर दूँ शक्कर। ये देख लीजिए, शक्कर घोर के मुझे दी जा रही है, जबकि शक्कर चाय में जो उबलती है उसका स्वाद अलग आता है और जो घोलते हैं उसका स्वाद अलग आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शक्कर उबलती नहीं है, सिर्फ शक्कर गलती है। क्या कर सकते हैं, जीवन है और जीवन में पत्नी है, जो कुछ हालातों से पत्नी के लिए समझौता करना पड़ता है। मैं तो समझौता करते करते देख लीजिए मेरे बाल कितने घने काले हो गए हैं, समझौता करते करते बहुत ही ज्यादा काले घने बाल हो गए हैं, समझौता करते करते। और दोस्तों, आप सब कैसे अरे हैं, कैसे हैं मुझे जरूर बताइएगा, कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। मेरे बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर जुड़ते जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत मतलब बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है। मतलब मैं कह नहीं सकता, जहाँ से मैं गुजरता हूँ लोग मेरी मुझसे अपना चैनल का नाम पूछते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखते रहिए मेरी हमारे इस चैनल को विद्या सुरेन ब्लॉग। देख लीजिए, ये देख लीजिए मेरी जुल्फों के साथ खेलती हुई मेरी पत्नी, मेरी पत्नी मेरी जुल्फों के साथ खेलती हुई, क्यों कि मेरे काल सॉरी मेरे बाल एकदम काले घने और बहुत ही ज्यादा मुलायम है दोस्तों। मुलायम होने का कारण है मैं दिन में नहीं दोस्तों, 2 दिन में एक बार नहाता हूँ, तो इसका कारण है मेरे काले लंबे घने बाल। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बस एक छोटा सा संदेश मैं देने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है कि आप दोस्तों एक रोटी कम खाइए, कोई शौक कम कीजिए, पुड़िया खाना बंद कर दीजिए या दारू पीना बंद कर दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाइए, जहां आपको सुविधा लगती है वहां पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। और खास तौर पर ये देख लीजिए, घरेलू स्त्री की सबसे बड़ी पहचान फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली अगर कोई स्त्री नहीं लगाती है तो उसके घर में झगड़ा हो जाता है, तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले बाजार जाकर अपनी बीवी के लिए लाइए फेयर एंड लवली। और मेरा वो संदेश था उसका, और मैं आपको थोड़ा सा कह देता हूँ कि बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों को इंग्लिश जरूर पढ़ाइए दोस्तों। इंग्लिश आप अगर बच्चों को क्योंकि पढ़ाएंगे, हमको नहीं पढ़ाया हमारे पापा मम्मी ने। हमको तो मुझे तो पढ़ाया मेरी मम्मी ने, मुझे बीड़ी बना बना के पढ़ाया था दोस्तों, लेकिन हमारे जो अपने दोस्तों के साथ रिलेशन थे उनके कारण, आवारागर्दी के कारण हमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। और आज फाइनली देख लीजिए कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, और इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश के कारण चैनल वगैरह पर भी बहुत कुछ लोगों से पूछना पड़ती है। तो आप मेरा एक हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों को इंग्लिश जरूर पढ़ाइए।
और इंग्लिश अगर बच्चा आपका जान जाएगा, मैं कहता हूँ हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी है और वो हमेशा रहेगी, लेकिन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, बच्चों को आपको ये अच्छे आपको पढ़ाई का वो देने के लिए आपको बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश की कोचिंग कराना चाहिए। अगर आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ा होगा या इंग्लिश में बात करेगा तो मैं कह सकता हूँ कि गर्व से हम भी कहेंगे कि उनका बच्चा है, और आपका बच्चा ना कभी बेलदादी करेगा और ना ही कभी ठेला या सब्जी के ठेला या ऐसा कोई काम धंधा करेगा। मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि वो जरूर कोई अच्छा सा जॉब करने लगेगा, लेकिन आप उसको जरूर पढ़ाइए और सुनाइए आपको किस बात पर हंसी आ रही है। इस बात पे आ रही कि हमें तो हमारे पापा मम्मी ने पढ़ाया ही नहीं है, और जब पढ़वे की कहते तो कहते कि तू पढ़ के का करेगी, तो वैसे ही दूसरे को चूलो फूंकने। देख लीजिए ये एक अलग हमरे पति पढ़े लेके आएंगे तो रात भर मोबाइल चलाते और हमें समझ में ही नहीं आए कि मोबाइल में काले क्लिक के भेज रहा है, उते से काले क्लिक के आ रहा है। दोस्तों ये इनकी सोच है, आंसू करते हैं मोबाइल में। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मैसेज करता हूँ दोस्तों, मैसेज करता हूँ किसी को सब्सक्राइब करने के लिए मैसेज भेजता हूँ। ये मुझ पे मेरी शक्ल देख लीजिए, मेरी शक्ल देख लीजिए, बंदरों जैसी मेरी शक्ल है, फिर भी ये मुझ पे शक करती है। अरे इस उम्र में थोड़ी ये सब होता है, वो एक अलग उम्र रहती है, 24-25 साल की हैंडसम वाली उम्र, और अब कहाँ है। लेकिन इनको सब होता है। मैं सक्सेस होने के लिए, यूट्यूब पर सक्सेस होने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत दिन रात एक कर रहा हूँ, लेकिन ये शकीली औरत है, शकीली, इनका शक बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है इनके अंदर दोस्तों। तो देखते रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 7 मिनट की हो गई है, पता नहीं आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देखेंगे और कभी तो देखेंगे दोस्तों। लव यू दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी हमारी पति पत्नी की जुगलबंदी आपको दिखाते रहेंगे और वीडियो में आपको बताते रहेंगे। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।